अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन सुखिन सभी संतु निरामया सभी भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। सारे वेदों का सार गीता, सारे वेदों का सार गीता और गीता का सार ये छात्र पर दो और छात्र में दो का सार माँ दीजा माँ दीजा माँ दीजा। अगर पढ़ाई सर्वान पैतज्ञ माँ एकांत चरणों व्रत अहम का सब माने था मोती चारी माँ दीजा हरिओ हरिओ सात हरिओ सात सफर जुड़ारे राम माता के सामने मेरे पड़ा एक बार सब दूर कर दूंगा मैं नर्म की हो तो दूर कर दूंगा मैं, ऐसा अरुण ने अपने सिंह से इकतीस रूप में कहा। धर्मान ये सब ऐसा है जो कई कट्टरों को चौंका देता है, जो धर्म के कट्टर और मक्कार है उनको चौंका देता है। धर्म का मतलब क्या मेरे कट्टर भाइयों, कई जो इस प्रकार के नर्म बचाने वाले है उनसे नहीं पूर्ण कहूंगा, थोड़ी सी खुशी से काम लो, मन से काम मत लो, जज्बात से काम मत लो, हक से काम लो। जिन दिनों भगवान ने उपदेश किया आज की 5,500 वर्ष पूर्व, उन दिनों त्रय धर्म धर्म का धर्म क्या था, उन दिनों एक ही धर्म था, मानव धर्म होते थे। सनातन इसलिए कह रहा हूँ आदि काल से होता है, मैं सनातन मतलब किसी फिर के तरीके कह रहा अर्थात अखंड रिलीजन आदि काल से था, उसे बोलते सनातन सनातन रिलीजन अर्थात शुरू से महाराज ने चलाया सरकार ने अदरक का भी वो आदरा। तो कई मिनट भगवान कहते धर्म से छोड़े काका, धर्म मतलब रिलीजन से नहीं है, उन लोगों का मतलब ये कि था मानव धर्म। सब जाते हो शिकारी आती है इन कटरों की जो खप जाते हैं इसका श्लोक को लेकर के, और आपको श्रीराम जी के पास जाती श्लोक आता है ये मतलब भगवान ने क्या कहा, अगर के अंधे भगवान ने सिर्फ ठीक कहा है। सर भगवान का मतलब आरात भी धातु होता है धारण करना, क्या धारण करना, जो तुमने बुद्धि में मन में तन में गलत धारण कर लिया है उसको हटाने का नाम। गीता यूनिवर्सल वाणी है, इसमें किसी विशेष को नहीं नहीं है, गीता दुराचारियों को संत बनाने वाले जो विश्व भगवान की छोटी सी वाणी, उससे पहले वेद वेद वा गीता शुरू में व्यक्ति साढ़े 5,000 वर्ष में कहता हूँ क्या मतलब था, मतलब का नाम उच्चारण ही नहीं था, इंसान को यह नहीं पता मतलब किस मरा का नाम है या किस नीली पीली चिड़िया का नाम, मतलब का सवाल ही नहीं होता उन दिनों। धर्म का अर्थ कहीं भी गीता के अंदर नहीं जैसा लिया गया, इंसान के प्रभाव से लिया गया। कोई चौंकता हो तो मैं कहता हूँ मैं किस मत के जवाब में, धर्म मतलब प्रभाव नेचर आदत और आदत बनती है कर्मों से, कर्म होते हैं विचारों से, विचार होते हैं संस्कारों से और संस्कार आती है पिछले जन्मों से। जानवी ने क्या बोल दिया, आदत बनती है कर्मों से,
जिन कर्मों का बार बार करेंगे मेरे सज्जनों, मेरी अच्छी बेटियों, वो बार बार किए जा रहे कर्म आदत बन जाते हैं। ठीक। और बार बार कर्म तब होते हैं जब अंदर बार बार विचार होते हैं, और बार बार विचार हर एक के अंदर एक जैसे विचार क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग है, इंफेक्शन अलग अलग है, और इंफेक्शन सालों के एक जैसे चोरी सबके अरमान अलग अलग है, वो अलग अलग है। जैसे हिंदू मुसलमान और ईसाई में उल्टा आकर आरोप होता है, जो कि ये बर्बाद करके अपनी जाति को बहका रही है या कबर में जिंदा जा रही है, क्या कि ये पहला और आखिरी जन्म है। अगर ये पहला और आखिरी जन्म होता है और बता रही हो, तो फिर हर एक के संस्कार एक जैसे हो जाएंगे, हर एक की चाय, हर एक की धुन, हर एक का प्यार, हर एक के जज्बात, हर एक की आदत एक। जब एक हिंदू साधु मिर्जा का पूछता है जो इतना इतराफ है, जो इतनी वैरायटी है, वो एक जवाब देती है, हमारे ईसा ने हमें बताया नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें कुछ बताया नहीं, इसके सच्चे उनके पास जवाब है। इसमें वैरायटी क्यों है, इतराफ क्यों है, भिन्नता क्यों है, हर एक ही फेरफार पर खड़े होकर खोल जाती है, इतनी भिन्नता, इतनी आपस में इतराफ, वाह कोई जवाब इनके पास। हमारे यहाँ पूरा जवाब जो भगवान ने दिया, क्या इंजीनियरों के अपने अपने संस्कार, हर एक की हर की सुरक्षा जुड़ा, हर की जीना जुड़ा, अपने अपने इंफेक्शन को लेकर पैदा हुआ, जिसको भगवान ने कहा अर्जुन तेरा आप जा इनसे, मैं इनको जानता हूं अर्जुन, पर तू इनके रिश्ते में नहीं जानता। ये महाराज ने अपने मुख से कहा, क्योंकि इंसान अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ है, भगवान ऑनलाइन है, मैं लिटिल है। हम लोगों को ये पता है कि मुझे आज के तीसरे दिन शाम को क्या खाया था, इंसान को ये भी पता ही रहता है क्या खाया क्या, छोटी बुद्धि है। अच्छा अगर बुद्धि इतनी भगा देता, सारी बातें याद रहती, तो इंसान पागल हो जाता, नामियों पर इतना कौन नहीं रहता, वही बातें याद रहती है जो याद रखे जाने योग्य, बाकी बुद्धि छोड़ देती है। घोड़े के बाद से गरीब की नाड़ी हलते जिसको बोलेंगे, समझने की नाड़ी, अंडरस्टैंडिंग वेन बहुत ही नई तरीक है। इसलिए ये कहा करना भगवान की श्लोक का धर्मान मेरे बच्चों को विचार करता है, सरल हो जाएगी, तो वाकई आज से 5,500 वर्ष की सुरक्षा नहीं, ये किसान से बोलते राम धर्म इंसानी धर्म, और वो भी क्या धर्म का ज्ञाता हुआ स्वभाव, तो मैंने बता दिया आपको स्वभाव हर एक का अलग अलग है, हर एक मेरे बच्चे का स्वभाव अलग अलग है, हर एक का कहा भी आता है मां देवी सब पुत्र प्रकरण देवी वर्ण, हर एक अलग 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 अलग। और दूसरा जी मेरे मैंने अपने सिंह से बोल के लिखा है, सभी पदार्थ है जन्मा ही पर भाग्यहीन नर पावत न, ये नर ही ये भाग्य नर पावत न, तो आपकी जब सब के आ जाएगी सर भगवान को सब से सब प्रकार के स्वभाव और गुण हम यकीन जो के आभार है किसी को मिला हुआ स्वभाव। आप भगवान के हमें तीन आम दिए हैं मेरे सजो, आप बड़े शांत होना घर बार जरा भूखे रहेगी, ये प्रसाद मैंने कहीं के देना है और आपके हाथ में दिखा देना है, और कोई भी इतराज हो प्यार से अपने साथ से पूछ लो, देखिए क्या मदद है अपने साथ में, कोई भी पीछे नहीं इतराज करो, कहीं पानी होती है कहीं, और आप राम जी को हाँ जी भगवान धर्म कहते हैं, धर्म का मतलब क्या है, धर्म किसी जगह भगवान जी नहीं कहा मतलब 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 भाई बोली, तो मैं आपको धर्म कर रहा हूँ स्वभाव, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, और स्वभाव कहां से बनता है अभी कह रहा हूँ, भगवान ने तीन अंक दिए हैं बुद्धि मन और धर्म, ये तीन इक्विपमेंट तीन उपकरण भगवान आपको दिए, हर इंसान को ये तीन दिया है, बड़े ध्यान सभी बच्चे तीन बुद्धि मन और तन, बुद्धि मन और तन इंटेलेक्ट माइंड वाइज, तीन हमारे पास है अकल दिल और ये शरीर, ये शरीर होगी तीन चीजें भगवान होती है, तीन अंग तीन उपकरण तीन इक्विपमेंट। अच्छा अब इनका अपना अपना स्वभाव है, हर एक का अपना अपना स्वभाव, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, बुद्धि का पुत्र अलग, मन का और तन का पुत्र अलग अलग है। हालांकि देखिए बुद्धि का पुत्र क्या है, फैसला लेना, डिसीजन देना, डिटर्मिन करना, ये बुद्धि का काम है, ऐसे डिटर्मिनिंग फैक्टर इतनी आम जाते भाषा में कहती है, नित्य आत्म शक्ति बुद्धि को नित्य आत्म शक्ति या फैसला कुंड कुंवर, उन्हें फैसला कुंड कुंवर, ऐसी कुआत जो फैसला लेती है, बुद्धि का काम हर समय निर्णय लेना है, मेरे की बेटी बुद्धि काम निर्णय लेना, जब तीन चार बातें खड़ी जाती है तो क्या करूं क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, आज की बार देखा बहुत कुछ आप लोगों ने करना था, बहुत कुछ करना जरूर थी, लेकिन आपने क्या किया, आज किया क्या, जो बुद्धि ने फैसला दिया वही वही आपने किया, जो आपने अगले फैसला दिया, जो भी आकर फैसला देती है बुद्धि, मुझे काम निर्णय करना, हाँ
और अफसोस क्या निर्णय करना है। कानपुर के भगवान के चरणों में अपना पत्र ग्रहण के कहूंगा, निर्णय करें ठीक है, क्या निर्णय करना, ये लाखों में कोई होता है जो इस सवाल पर पूछता, क्या निर्णय करूं, क्या निर्णय करूं। और आज कर रहा है, निर्णय नहीं कर रहा है, नकल से काम ले रहा है, जो वो कहता है वो मैं कर लूंगा, वो कहते पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो पार्टी कहते हैं नौकरी कर रही नौकरी करेगा, मुछाड़ी कर रही छाड़ी कर दूंगा। आज अनुकरण हो रहा है, यानी नकल हो रही है, अकल नहीं हो रही। आज नकल से काम दिया जा रहा है, अकल से नहीं, वरना अकल बताती के निर्णय कर अगर ये इस बार था क्या निर्णय करूं, या मुझे कारण निर्णय करना क्या निर्णय करूं। आज कौन है जो उसी से काम ले रहा है, नकल आम उठा देख लो, आम कोई जिला है जो के आजादा तौर पर विचार करे, इसे बोलते आजादा पूर्व विचार करना, कहता इन्हीं गंदी काम में बैठ करके जीत लेना, ये किसी जिले का काम है, वरना पहने खाने पीने नखरे नखरे बोल चाल सब नकल 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 बिल्कुल नकल नकल पैर ही नहीं देते। काम ले लो हरे काम में है, अगर काम बच्चे धरने लगे हैं, बच्चे जहाँ पर हिंदू मुसलमान क्या लगे मुसल यहाँ के वार रख लिया, यहाँ के रख लिया, यहाँ इतना नहीं है नकल, जो भी समाज में जाते हैं कोई आज अगर मांगे क्या करना चाहता हूँ, ये क्या बन गया, या भारे आकर के लपेटा गया उनके पीढ़ा बन जाए, या जहाँ जाकर लाती है समाज में जवाब जाता है, या बटन लाट लिए घरों के फायर रखे, मेरी कई जन्म लगा थी ये नहीं कहा गई कि कहाँ अगर रखू बटन लगे पड़े भारे घोल के पर्यटन नहीं कहा इसका, तो मैंने सर्दों के बटन लगाया बटन हमारी सभ्यता नहीं है, तुम्हें ये रखते हमारी सभ्यता है की ये फिर रखा एक तरह यू कर नहीं समझे पुत्र, ये क्या है, ये क्या है, ये गलत है, ये खोल के बटन ये अगर बात है तो क्यों बाबा बोली के द्वारा समाज में ऐसी होता है बटन लगी होती है और यू जरा खुला खुला करके यू करना, ये मेरे बच्ची रहती है जो प्रभावित होती है, नारी तो किसी की पालतू होती है, मुझे नीचे से पालतू कुत्ता होता है उसकी कपड़ा बांधते हुए बुझा रहे हैं पालतू है, नारी किसी की पालतू है तो ठीक है, लेकिन ये बात बाबा रिवाज चल पड़ा है कोई आकर वाली बात, ये जीत के पहनना इसको मतलब क्या हुआ, अरे उंगली चल पड़ी अपनी भाई जो है एक कुंटल ये इतनी होती है मतलब क्या हुआ, कोई 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 हर एक बात में साथ बुझाने के बाद अभी मतलब क्या है। अच्छा भाई एक विशेष प्रकार की समाज का कड़ा पहले आया थी, आज हर एक को देखो एक बच्चों का हट लिंग में कड़ा कौन जितना भारी कड़ा ये सब लग रहा है, एक जवाब दिया था कहीं लाइव हो जाए जिसमें काम हो रहा है, यानी नेगेटिव उत्तर है पॉजिटिव नहीं, किसी धर्म के अंग मांग कर पहन लिया वर्जित हो जाएगा लाइव, लेकिन जरा कड़ा क्या कड़ा 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 और लिंग में कड़ा कई बार बड़ी चीज का मतलब सारे करके बाबा आप गोलियां करा चल रहा बहुत चार पांच दिन खाई थी गोली के पहले मुझे इतना नजर बोलना किसी की नजर कैसी जाएगी क्या हाथ कटाना चाहती हूँ मैं नहीं कहना चाहता हूँ उसका अगर से मुझे है काम आपकी जाति का रहना पहना पिछा कटाना चाहती है आप खुद क्या उसमें होंगे जब हमारे हार ये क्या मतलब क्या है तो है अगर मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूँ आप शिक्षा दूँ शिक्षा की नजर काम है नहीं जो आजादाना तौर पर सोचने के आदि है कि निर्णय क्या लेना है, मुझे निर्णय लेना है क्या निर्णय लेना, मुझे इरादा करना है मुझे क्या इरादा करना है, वो इरादा करना है जिससे कि ये आने वाला मित्र अच्छा गुजरे शांति में गुजरे मेरे लिए आराम से कर रहा है अच्छा होने पाए बुरा ना हो जाए, मैं जिसके लिए जो भगवान से मांग कराया हूँ वो आराम से कर लू वो चिंता और हृदय आपको बता बता लगा मेरे अच्छे का क्या है दावा अच्छे का क्या है तो कैसी जगह जैसे माफी करो बात करते हैं किस तरह से बात हूँ उनकी तरह
ये रबी बात है अकॉर्डिंग टू डिसीजन इसकी। आप इंतजार देखिए जी, या फिर आपने डिसीजन किसी ने दिया, या फिर आपने इंतजार किसी ने किया, जरूरी नहीं हो उसी प्रकार के इंतजार होंगे। फिर जिस प्रकार के इंतजार होंगे उसी प्रकार के कर्म होंगे। फिर वो कर्म बार बार होती है, कोई आप कर्म करो तो बार 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 कितनी होती है, या तो विचार बने, विचार ना बने या ऊपर का इरादा बने, इरादा नहीं बनता विचार ऐसी होती है, विचार ऐसी होती है तो कर्म बार बार होती है। जो कर्म बार बार होती है वही आराम बन जाती है, और आराम के मजिए का नाम ही तो चार चरण है। भाइयों,
तो जो उसी में गति लाती है, अगर आप कलह लाती है जो भगवान बता रहे उनको रखने के लिए पहले दौड़े हालात को अभ्यास और हालात से ढूंढना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब क्या का कहा है कि अभ्यास करना, जाप करना, गीता का बार बार मन करना, उसके बाद प्रसन्न करना, बार अभ्यास बार अभ्यास बार अभ्यास सब आ जाता है मन लागत 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 है करना करना जुटे रहे हम लगे रहे आकर भगवान इनकी मदद करती है हिम्मत हिम्मत मरदा मत खुदा भगवान इनकी मदद की जो अपनी रोड में पूरी जान आ जा रही है जरा वाली स्कोर कथा भी छोड़ रहे हैं ऐसे ट्राइंग अकोर लेवल बेस्ट और भगवान की विशेष शक्ति उनके काम हो जाती है जो निकट में कुछ दिन और काम करने वाले को नहीं है परमात्म कदम बिल्कुल नहीं सकती है और वो दिन बदल उड़ती रह जाती है और खत्म हो जाती है। भगवान उनको फोर्स देती है जो अपनी ओर से हिम्मत मारती है खून का पसीना बना के गिराती है भगवान की शक्ति का भार पुरानी आदत को बदलने के लिए प्रचार चाहिए प्रचार चाहिए प्रचार चाहिए पुरुष नाम रखा गया हमारा प्रचार करता है धीरज पूर्वक जो सा उसको जो प्रसाद चला गया है जो अपने आप गया प्रसाद चलता उसको आप पुरुष कहेंगे ये पुरुष चलाएगा जुट गया है लग गया है अपने आप को लिखा गया है मैं बोले का पुरुष काम रखाया निकम्मा तीनाई जो बिल्कुल ही रह लेता है तो मेरे भैया मेरी ऐसी बेटी है मेरे भैया आप यहाँ पर आइएगा पुरानी आदत बदली जा सकती है पुरानी आदत बदलेंगे विचार बदल गए विचार बदल गए तो आगे हमारे कर्म बदल गए इसलिए मैं क्या करता हूँ अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में ना भूला रहे हिंदुस्तान की धार्मिक भाई और हिंदुस्तान की धार्मिक एक बेटी अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि एक जिसके इरादे रंग है जिसके विचार हाई है जिसके कर्म पवित्र है वो हर रूप में टीका है इसलिए गीता के संग्रह में आकर आज हो चुका है। मैं तो होगा इस रोबत में आकर भगवान की वाणी सुने भगवान का ओवरहॉलिंग ओवरहॉलिंग बुद्धि की ओवरहॉलिंग मन की ओवरहॉलिंग और ताकि बुराए पुरानी आदत खत्म कदम विचार खत्म और पूरे और सच्चे कर्म खत्म ये इंसान की ओवरहॉलिंग ये ओवरहॉलिंग स्टेशन है ओवरहॉलिंग स्टेशन ये मशीनरियों के ऑटोमाइज के ओवरहॉल से बच्चा अपने ले जाती है ओवरहॉल कराती है यहाँ भी हम आए गए अंतःकरण का ओवरहॉल कराने